चंद्रपुर जिला मुस्लिम एकता बहुउद्देशीय मंच और संस्थापक अध्यक्ष अबीब मेमन की ओर से चंद्रपुर और देशवासियों को रमजान ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। सबकी ईद मुबारक हो। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कोल्हापुर बांध के सर्वे कार्य की शेष राशि बांटने के मामले में नागपुर और चंद्रपुर जिले के मृदा जल संरक्षण विभाग के अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रिश्वत रोकथाम विभाग नागपुर ने 50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता नागपुर जिले का रहने वाला है। नागपुर और चंद्रपुर में कोल्हापुर बांध का सर्वे कार्य कराया गया। कार्य पूरा होने पर जल संरक्षण विभाग को बिल जमा करा दिए गए, लेकिन प्रादेशिक जल संधारण अधिकारी वर्ग एक जिला नागपुर 32 वर्षीय अभिजीत पाटिल, अनुमंडल जल संरक्षण अधिकारी और जिला जल संरक्षण अधिकारी प्रभारी वर्ग एक के 46 वर्षीय श्रवण शेंडे, जिला जल संरक्षण अधिकारी चंद्रपुर और संभागीय लेखा अधिकारी चंद्रपुर के 35 वर्षीय रोहित गौतम ने शिकायतकर्ता से 81 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की, जो भाव ताव के बाद 50 लाख देने की बात तय हुई। चूंकि वो शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने रिश्वत रोकथाम विभाग नागपुर से संपर्क किया और शिकायत दर्ज की। पुलिस उप अधीक्षक अनामिका मिर्जापुरे ने मामले की जांच करते हुए 46 वर्षीय श्रवण शेंडे, अनुमंडल जल संरक्षण अधिकारी चंद्रपुर को 3 मई को 50 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। पुलिस उप अधीक्षक अनामिका मिर्जापुरे, पुलिस निरीक्षक सचिन मोटे, सारंग मिराशी, प्रवीण लकड़े, जितेंद्र गुरनूले, पुलिसकर्मी संतोष पंधारे, विकास सायरे आदि सभी चंद्रपुर के एंटी करप्शन विभाग कर्मियों ने ये कार्यवाही सफलतापूर्वक निभाई है।